सुप्रभास की अपकमिंग मूवीज की जो इतनी बड़ी लाइनअप है ना, हर रोज कोई ना कोई मूवी को लेकर अपडेट्स आती ही रहती है। कभी राजा साहब को लेकर, तो कभी स्पिरिट के लुक टेस्ट को लेकर, तो कभी फौजी को लेकर। लेकिन आज जो अपडेट आई है ना, उसमें अपडेट के तौर पर खुद प्रभास सामने आ गए हैं। जी हां, कल रात को गए हैं प्रभास मुंबई, और मुंबई एयरपोर्ट की ये जो उनकी वीडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो बिल्कुल डिफरेंट अवतार में नजर आ रहे हैं। उनका लुक, हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज है, यहां तक की बॉडी भी। अब याद कीजिए फौजी का वो पूजा सेरेमनी वाला दिन, उस दिन प्रभास ने कहा था कि स्पिरिट के जो डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, वो मुंबई में है। तो क्या वो मुंबई में वांगा सर से मिलने गए हैं? प्रभास का ये जो नया अवतार है वो स्पिरिट के लिए है या फिर फौजी के लिए? आखिर क्यों गए हैं प्रभास मुंबई? इन सब के ऊपर बहुत ही जबरदस्त एक्सक्लूसिव लेकिन ऑफिशियल अपडेट्स आई है। लेट्स चेक इट आउट। हैव एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी, मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास कल गए हैं मुंबई, कल रात को ही उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड किया है। लेकिन पेप की नजरों से कौन बच सकता है भाई, वहाँ के जो पेपराजी है ना, उन्होंने प्रभास को कैप्चर कर ही लिया। बेचारे गाड़ी में बैठ गए थे प्रभास, फिर भी कार में जूम कर करके कैप्चर किया है प्रभास को। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन गौर करने वाली बात ये रही कि इस वीडियो में ना प्रभास बिल्कुल डिफरेंट अवतार में नजर आ रहे हैं। उनकी हेयर स्टाइल टोटल चेंज है, ऑलमोस्ट क्लीन शेव है, कहीं ना कहीं वो साहो वाले लुक की वाइब आ रही है। तो क्या स्पिरिट का न्यू लुक है? क्या प्रभास मुंबई में वांगा सर से मिलने गए हैं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही ये स्पिरिट का न्यू लुक है और ना ही मुंबई में प्रभास वांगा सर से मिलने गए हैं। असल में प्रभास का ये लुक है फौजी का। जी हाँ, जैसे कि हम सबको पता है कि फौजी में प्रभास एक ब्रिटिश सोल्जर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड आर्मी में ना सोल्जर्स के क्लीन शेव होते हैं, एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं वो। तो प्रभास इसमें ऑलमोस्ट क्लीन शेव में नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर पिछले कुछ दिनों से आपने प्रभास पर गौर किया हो ना, तो प्रभास ना काफी लीन हो गए हैं। कल्की में थोड़ी ज्यादा बॉडी थी उनकी, उसके बाद आया राजा साहब का टीजर, उसमें थोड़े पतले लगे वो। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने एक साउथ की मूवी का प्रमोशन किया था, उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, उसमें भी काफी ज्यादा लीन दिखे थे वो, और कल एयरपोर्ट पे भी वही लुक था उनका। तो लीन होना, ये क्लीन शेव करना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रभास फौजी में सोल्जर के कैरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, असल बात ये है कि प्रभास ये जो मुंबई गए हैं ना, वो फौजी के लुक टेस्ट के लिए गए हैं। और ये बहुत चांसेस है कि इस दशहरा पर या फिर प्रभास के बर्थडे वाले दिन, मतलब कि 23 अक्टूबर को फौजी का एक पोस्टर या फिर ग्लिम्स देखने को मिले हमें, जिसमें प्रभास का ये सोल्जर फर्स्ट लुक रिवील किया जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि देखिए अभी ना फौजी की शूटिंग तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, मदुराई में इसकी शूटिंग चल रही है। प्रभास के अलावा जो बाकी की स्टारकास्ट है ना, उनकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। प्रभास फौजी की शूटिंग ज्वाइन करेंगे, लेकिन राजा साहब के जो स्केड्यूल है ना, उसको कंप्लीट करने के बाद, जो कि बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो राजा साहब के बाद अब बारी है फौजी की। जी हाँ, फौजी का ग्लिम्स हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। रिसेंट जो अपडेट्स आ रही है, इससे तो यही लग रहा है कि फौजी एंड टीम बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है प्रभास का फर्स्ट लुक रिवील करने के लिए। शाबाश मेरे चीटे, शाबाश। So, yeah, वैसे प्रभास का फौजी के लिए ये क्लीन शेव वाला अवतार आपको कैसा लगा? क्या आपको भी मेरी तरह कहीं ना कहीं इस लुक से साहो की वाइब आ रही है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।